हेलो नील ब्रो, अभी इसी वक्त रोशनी के घर आ जाओ, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रोशनी को अगर मेरी जरूरत होती ना तो मैंने खुद बुला लेती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर कोई है जो रोशनी को जलते हुए कोयले पे चलने से रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। रोशनी, अरे बहुत दिमाग खराब हो गया कि सबका, क्या कर रही हो? एकदम चुप। ये सीता माँ, मेरी बच्ची ने बहुत चोट आ गई, अगर पूजा पूरी हो जाती तो फल मिल जाता। दवाई वाला डब्बा कहाँ रखा? मेरे सर में बहुत दर्द है, तू जाके दवाई ले आ, रसोई में रखी है। अच्छा रे, कैसी है मेरी बच्चियाँ? रोशनी की चिंता करने के लिए मैं काफी हूँ, आप सबको कितनी चिंता थी ना वो देख लिया मैंने, इसलिए मेरे सामने नाटक करना बंद करो वरना मैं तालियां बजाने का जूते। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। जो कर रही थी अपने भाई के लिए कर रही थी। I can't believe it. हमने रोशनी को रास्ते से हटा दिया, अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तुम बनोगी इंडिया की डांसिंग स्टार और मैं बनूंगी डांसिंग स्टार की स्टार मॉम। आई एम सो एक्साइटेड ट्विंकल, आई एम सो एक्साइटेड। पर मॉम, क्या आपको सच में लगता है कि आज रोशनी डांस नहीं कर पाएगी? अरे फोर्स बेटा, रोशनी को अंगारों पर चलने की आदत थोड़ी है और उसने कोई सिद्धि प्राप्त थोड़ी की है। डोंट फॉरगेट, आखिरकार वो एक मामूली सी आम लड़की है ना। और एक सिंपल सी आम सी लड़की को मैं डांस में हरा नहीं सकती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसा नहीं ट्विंकल कि तुम रोशनी को हरा नहीं सकती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दवाई वाला डब्बा कहाँ घुसा के रखे आइए? Thank you.
आए दुख के कुछ नहीं देती हूँ ना। और मैं चाह कर भी तुम्हें खुशियां नहीं दे सकता। तुझे पता भी है क्या हो सकता था अगर मैं वहां पे वक्त पे ना पहुंचता तो? इतना दर्द, इतने घाव, वो ना हो ये सारा किया था उस तब हुआ कही है, उसे के दिमाग में आते हैं फालतू बातें। देखा था मैंने तने आंख पर चलाने के लिए कितनी उतावली हो जा रही थी, उसने तो मैं छोड़ूंगा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है पापा जी के लिए। नील मुझसे जितना हो सकेगा उतना ज्यादा मैं करूंगी पापा जी के लिए। तन्ने कहलेगा यो सब करने से चाचा जी की जान बच जाएगी। रोशनी तू कब से ऐसी बेतुकी बातों में आने लग गई? मैं नहीं जानती कि उसे करने से पापा जी ठीक होंगे या नहीं, पर अगर उस बाबा की बात मानने से पापा जी की तबीयत में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो मैं वो करूंगी। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मुझे थोड़ा सा भी पछतावा हो कि मैं पापा जी के लिए सब कुछ नहीं कर पाई। तन्ने बिना तेरे पापा जी के साथ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसे कोले पे चल के जान बचाएगी अपने पापा जी की तू? नहीं, मैं पापा जी को नहीं खो सकती किसी कीमत पे भी, भले मुझे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे कुछ हो जाए? तू मेरी रोशनी है, जो तेरे मन में है तू वो खुद को ना कर सके। मेरे तक पूछना पड़ेगा, अगर मेरी रोशनी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तने छोड़ूंगा नहीं। घर वाले ठीक है, मुझे ना तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है और वो बात सुन के तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। रीवा मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें? हाँ बोलो, पहले तुम ही बोलो। आज तुम पूछ रही थी ना कि मैं अपने लकी ब्रेसलेट के साथ क्या कर रहा हूं। मैंने अपने लिए नहीं, रोशनी के लिए निकाला था। रिवा आज कॉम्पिटिशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो परफॉर्मेंसेस होने वाली थी। ट्विंकल के साथ साथ ट्विंकल के साथ साथ रोशनी भी परफॉर्म करने वाली थी। रोशनी भी डांस करती है? तुम्हें पता है उससे बेटर डांसर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि रोशनी ही वो लड़की थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसके पैरों पे वो निशान थे,
सच कहूं तो ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी थी। And I'm sorry, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन I was helpless. I mean, मैं क्या करता? रोशनी को डांस से नफरत है, नफरत. And किसी भी कीमत पर वो ये बात को अपनाना नहीं चाहती. और किस्मत देखो, आज जब वो फाइनली डांस करने के लिए रेडी हुई है तो कारण कला नहीं, कारण पैसे हैं. रोशनी अंकल के ऑपरेशन के लिए नींद से पैसे नहीं ले सकती. वो मेरे पास आई हेल्प के लिए. कैन यू बिलीव दैट? मेरे पास लाइफ में पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है. लुक, उसने अपने पैरों के साथ क्या किया? मैं हार गया रेवा. सवाल पूछूं आकर्ष, तुम्हें चिंता रोशनी के डांस ना करने की है या रोशनी की है? तुम्हारी खामोशी नहीं मुझे मेरा जवाब देती है. बहुत दर्द हो रहा है? हो तो रहा है, पता है क्या? जो जख्म अक्सर दिखाई देते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, पर जो दिखाई नहीं देते ना, आप चाहे कुछ भी कर लो वो कभी कभी नहीं भरते. हमेशा दर्द देते हैं. अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे, मैं ऐसे नहीं ले सकती. ना अम्मा रहने दे, अब हमारा यहाँ पे कोई काम ना है. अब जब तुम्हें लोग लाश की चिंता ही ना रह गई है तो इस दुपट्टे के पीछे की पड़ी है, छोड़ दे इसने भी. चार बोतलें पी चुका हूँ और अब पी के गाड़ी चला के दिल्ली भी जाऊंगा. बोल बड़े को दिक्कत है? अरे बंटी, अरे गाड़ी के टायरों की आवाज चेक कर लिए? बहुत दिन हो गए गाड़ी दौड़ाए हुए हाईवे पे. तू जिए या मरे मैंने उस पर कोई फर्क ना पड़े, और मैं तो फिर भी नील चौधरी हूँ. मैंने एक मिनट ना लगेगा तुम्हें छोड़ने में. तेरे पास इसका कोई मलम नहीं है. अगर हो तो मत जाना.
नहीं, देखना मेरा ऐसा हाल है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, और एक घंटे में पापा जी का ऑपरेशन है, तो तू मेरा एक छोटा सा काम करेगा? हाँ बोलना, क्या हुआ? सबको लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा क्या? हाँ हाँ ले जाऊंगा, और बस और कुछ नहीं, बस बस। रोशनी, रोशनी, मैंने देखा कितना जख्म हुआ है। भगवान, इतने सारे मलम में तो दिख ही नहीं रहा है कि कितना जलन है। दीदा आप चिंता मत करो, इसकी जैसी जिद्दी लड़की से तो घावने भी डर लग गए, ज्यादा ना लगी है। तू तो रह नहीं दे, मैंने बात नहीं करनी। अरे 10 मिनट पहले नहीं आ सकता था, देख कितने घाव हो गए। दीदा मान लिया मैंने, मेरी गलती है, और वो भी बहुत 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 बड़ी वाली। लो मान लिया मैंने, अब तो आप अपनी पोते की तरह मेरी क्लास लेनी बंद करो। अरे क्लास तो मन्ने अपनी लेनी चाहिए, करूँ तो क्या करूँ बेटा, बूढ़ी जो हो गई हूँ। अरे बूढ़े होने का तो फायदा दीदा हा? अब देखो आपके दिमाग के पिटारे में कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा जले पाँव में से दर्द चुमंतर करने का। हाँ सो तो है, तुझे पता है आलू घस की लगा देने से ना सारी गर्मी खींच लेती है, मैं अभी लेके आई। हाँ दीदा। अब बोल क्या बोल रही थी तू? नील मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पर पापा जी। तो आखिर बात समझ आ गई मैडम जी को कि चाचा जी के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही पैसों का इंतजाम कर रखा है। हाँ क्या हुआ चाचा जी को, बोलना। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुझसे पापा जी के ऑपरेशन को लेकर ऐसी कोई बात करूंगी। तो अब सोच लिया है तो मुझसे बोलने में इतना क्या शर्माना, बोल क्या हुआ। देखना मेरा ऐसा हाल है मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, और एक घंटे में पापा जी का ऑपरेशन है, तो तू मेरा एक छोटा सा काम करेगा? हाँ बोलना क्या हुआ। सबको लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा क्या? हाँ हाँ ले जाऊंगा, और बस और कुछ नहीं, बस बस। नील नील ले जरा मेरी मदद कर, ये लगाने में मैंने तो दिखेगा नहीं बेटा। दीदा मैं बाहर जीप निकालने जा रहा हूँ, चाचा जी का ऑपरेशन है ना, सबको अस्पताल लेके जाना है। बाकी और कोई काम ना है मेरा यहाँ पे। क्या हो गया? जाने तो दीदा, मेरे जख्म देख कहाँ पाता है। देख छोरी, जब माँ और बेटी जिद पे आ जाए ना तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तेरे पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये तेरी दीदा का वादा है। सच दीदा? हाँ बेटा। अरे भाभी आप ना चल रहे हॉस्पिटल है? नील गाड़ी लेके आया है, सबने लेके जा रहा हॉस्पिटल, रोशनी नहीं जा रही, बहुत जगह है उसमें। चलो कम्मो, लोगों के पास और भी काम है, आज ट्विंकल की कंपटीशन और मैं और ट्विंकल कंपटीशन में जा रहे हैं। अच्छा, अरे भाभी इतनी परेशानी में ना मैं भूल ही गई थी, वैसे भी मेरी श्री देवी तो है,
तुम्हें जितेगी मैंने बेराया। आर यू डन कमो ट्विंकल? तो हम चले? जीत के ये है। चलो ले छोरी ये आम लेकर ऐसा पी जा, ठंडक पहुंचेगी और थोड़ी थोड़ी देर में ना ये बर्फ घस लेना तो फपोले नहीं पड़ेंगे। बर्फ लगा ले छाल लेनी पड़ेंगे। इसी के पास घुस के बैठे रही है माँ है? याद है तेरा एक छोरा भी है जो हॉस्पिटल में है, आज उसका ऑपरेशन है, देखने जाना है, कब चलेगी? हाँ पता है, चल रही हूँ। आप पापा जी के पास जाओ, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। वैसे अच्छा ही हुआ तू नहीं आ रही अस्पताल, खाम खाम परेशान होती, यहीं तो आराम कर। दीदा पापा जी सच में ठीक हो जाएंगे ना? अरे ठीक हो जाते, अगर तू सही से चल लेती ना तो तकरीती। अरे चुप कर, जब देखो पकती रहती है। चुप कर। देख छोरी, जब माँ और बेटी जिद पे आ जाए ना तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तेरे पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये तेरी दीदा का वादा है। सच दीदा? हाँ बेटा। ले अब जल्दी से भाई ने सही कर दे, नहीं तो मेरे बाल को और मेरा क्या होगा। नील क्या रोशनी आपका लहंगा